कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में संदिग्ध परिस्थितियों में बिजली मिस्त्री मोहसिन की मौत हुई है। हैरानी की बात यह है कि जिला अस्पताल में मोहसिन की लावारिस लाश परिजनों को मिली है। वहीं परिजनों ने मृतक के दोस्त आकाश पर ही हत्या कराए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि मोहसिन को घर से बुलाकर उसके दोस्तों ने ही उसकी हत्या की है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। साथ ही परिजनों की शिकायत पर मृतक के दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला कैंट थाना के अलहदादपुर इलाके का है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के नखास निवासी मोहसिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक आरोपी गुड्डन उर्फ आकाश निषाद को हिरासत में लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रभारी सीओ कोतवाली योगेंद्र नारायण ने कहा, कुछ नहीं, कल से ये गए, कल से लापता थे, 8 बजे सुबह गए हैं काम करने। आज सदर अस्पताल में एक अज्ञात में लाश मिली। बाद में जब तस्दीक हुआ तो वो लाश मोहसिन खान और महफूज खान थी, महफूज खान की थी, जिनके पिता का नाम महबूब खान है। ये असगरगंज कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। और बाद में जानकारी हुई कि आकाश और कुटन निषाद, ये दोनों लोग अच्छे मित्र थे, बिजली के विभाग में कहीं काम करते थे, बिजली का काम एक साथ करते थे। कल लहलादपुर कैंट थाना क्षेत्र के सरकारी शराब की दुकान पर कुछ विवाद हुआ और मारपीट हुई। उस मारपीट के बाद उनको अज्ञात में गुड्डन निषाद ने मोहसिन खान को ले जाके सदर अस्पताल में भर्ती कर। घटना में अभी तो एक की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी दो अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।